नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में मैं भावना ठाकुर। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय भारत माता चक्की आटा। मात्र 21 वर्ष की आयु में बिलासपुर की मुस्कान ने इतिहास रच डाला। जिला परिषद सदस्य बनने के बाद अब वह पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था जिला परिषद बिलासपुर की अध्यक्ष बनी है। मुस्कान देश भर में सबसे कम आयु की युवती है जो इस पद तक पहुँची है। हाल ही में हुए पंचायती राज संस्था के चुनाव में मुस्कान को बिलासपुर जिला के वार्ड नंबर 10 से सदस्य निर्वाचित किया गया था, जिसके बाद वह रातों रात नेशनल मीडिया में सुर्खियां बन गई। मुस्कान ने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद वह राजनीति में उतर गई हैं। सेना के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग भोरंज उपमंडल के तहत आने वाले कंजियाना गांव में कराई गई। बताया जा रहा है कि पठानकोट से दो हेलीकॉप्टर लाहौल स्पीति के लिए रवाना हुए थे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर हमीरपुर की हवाई सीमा में पहुंचा तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उत्तराखंड के चमोली में आए जल प्रलय के बाद हिमाचल के 10 युवक अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों की टीम चमोली जा सकती है। चमोली त्रासदी के बाद प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है तथा हिमाचल के जो लोग वहां फंसे हैं उनके बारे में सूचना ली जा रही है। पहले वहां 8 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 10 हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रभावित लोगों को सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। 8वीं व 10वीं के हजारों छात्र 68 केंद्रों पर छात्रवृत्ति की परीक्षा देंगे। यह परीक्षा NMMS छात्रवृत्ति योजना के तहत 21 फरवरी को करवाई जाएगी। प्रदेश के 7000 छात्रों ने इस छात्रवृत्ति की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें 3800 छात्र 8वीं कक्षा के व 3200 छात्र 10वीं कक्षा के शामिल हैं। मेरिट सूची के आधार पर 832 छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जानी है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्र को 12,000 रुपये छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो सकते हैं। सरकार ने इस बारे में शहरी विकास विभाग को आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाने को कहा है। पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवाने के लिए नियमों में भी संशोधन किया जाना है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन, मंडी, पालमपुर व धर्मशाला नगर निगम में मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। हिमाचल सरकार निजी तकनीकी संस्थानों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस बारे अतिरिक्त शक्तियां मांगी हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल की कुछ आईटीआई एक या दो कमरों में चल रही हैं और इन संस्थानों को केंद्र से मान्यता दी जाती है। जांच के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 12 से 18 फरवरी तक मंडी में आयोजित किया जाएगा। शिवरात्रि उत्सव शुरू होने से पूर्व मंडी के प्राचीन मंदिर बाबा भूतनाथ के शिवलिंग पर माखन का लेप किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। बीती रात इस परंपरा का वेदन करते हुए शिवलिंग पर माखन का लेप लगाया गया। शिवलिंग पर माखन से संगमेश्वर महादेव की आकृति बनाई गई। शिवरात्रि तक प्रतिदिन इस प्रकार का लेप लगाया जाता है। माखन उतारकर इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में दो भीषण अग्निकांड हुए हैं। पहली घटना ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते बरनोह गांव में हुई है। करीब 1.5 दर्जन झुंगियां आग की भेंट चढ़ गई, जिसकी वजह से करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी आग की घटना शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र में हुई है। मशडाह गांव में एक मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मकान में बुद्धि सिंह आत्माराम परिवार सहित रहते हैं। कुल्लू जिला के भुंतर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक होटल में छापा मारा, जहां से 3 नेपाली मूल की युवतियों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि होटल के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस कर्मचारी ग्राहक बनकर होटल में गए थे तथा होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे को बेनकाब कर दिया। पालमपुर स्थित एक निजी नर्सिंग संस्थान में 32 प्रशिक्षु छात्राएं कोरोना पॉजिटिव आई हैं। दो दिनों से इस संस्थान से 46 छात्राएं कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद कुल 268 छात्राओं के टेस्ट किए गए थे, जिसमें से अब तक 49 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश की खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारी वेबसाइट www.himachalsamay.com पर भी देश व प्रदेश की खबरें पढ़ सकते हैं। यूं ही जुड़े रहें हिमाचल समय के साथ और अब मुझे दीजिए इजाजत।